ये आप तीन मटके देख रहे हो, इन तीनों मटकों से मैं पानी को आपको अमृत बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। करना क्या है, इन मटकों को आपको एक के ऊपर एक सेट करना है, नीचे इसमें छेद होने चाहिए। तो इस तरह तीन मटके एक के ऊपर एक सेट होंगे, तो इसमें नीचे छेद है, जो ऊपर वाला मटका है उसमें ये बड़े पत्थर लेंगे हम। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बड़े पत्थर इस मटके में आधे तक भरने हैं, छोटी बजरी, और अच्छी तरह इनको धो लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, चार से छह बार अच्छी तरह धोना है। और ये मोटी रेत, ये कोयला, जो वुड चारकोल है, ये वुड चारकोल की लेयर बिछेगी इसके ऊपर। तो ऊपर वाले मटके में इसको 3/4 भरना है, मटके में यही प्रोसीजर हाफ रहेगा, मतलब आधा मटका भरना है इसी सामान से। और जो सबसे नीचे वाला मटका है उसमें कॉपर की प्लेट या कॉपर का गिलास, चांदी का सिक्का या चांदी का गिलास, और दो रुद्राक्ष, इनको डाल के छोड़ देना है। और फिर इस पानी में ऊपर वाले मटके से पानी नीचे वाले मटके में आएगा, नीचे वाले से इस वाले में आएगा, और सबसे लास्ट में हमें इस तरह के मोरिंगा सीड्स लेने हैं। ओरिजिनल मोरिंगा सीड इस तरह के होते हैं, और इसका पाउडर बना लेना है, और ये पाउडर 4 चम्मच इसमें डाल देना है लिविंग वाटर। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए, और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।